अस्सलाम वालेकुम आप सब भाइयों का क्या हाल है। ठीक है, मैं हूँ आपका दोस्त आगा बिलाल खान। तो दोस्तों, मैं आप सब भाइयों के लिए एक बहुत ही प्यारी और छोटी सी टिप लेके आया हूँ। ये देखें जी, मेरी बेटी दाना डाल रही है, सारी होम ब्रीड है मुश्कों की, और जो आपके बर्ड्स को बहुत फ़ायदा देगी। और ये कुरीज का मौसम है, इसके अंदर अपने बर्ड्स को आप ज़रूर डवर्मिंग करें। डवर्मिंग करने का मैं तरीका आपको बताने लगा हूँ, और जिस तरह मैं डवर्मिंग करता हूँ, जिस तरह मैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो जितनी मकदार में जो मेडिसिन डालनी है वो मैं आपको सब दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आइए हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय ज़रूर दें कॉमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ कि कितनी मकदार में आपने पानी लेना है और कितनी मेडिसिन आपने यूज़ करनी है। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो है और छोटी सी टिप है, और आपके असील बर्ड्स के लिए बहुत मुफीद है। इससे आपके बर्ड्स महफूज रहेंगे बीमारियों से और सोकड़े से, और अच्छी कुरीज करेंगे। जब तक बर्ड अंदर से साफ ना हो, डवर्मिंग ना की जाए, तो उसको खुराक भी बिल्कुल नहीं लगती। तो अभी कुरीज का मौसम है, कुरीज में आप अच्छी से अच्छी खुराक दें। मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि खुराक कौन सी इस्तेमाल करनी है, और इस वीडियो में मैं अपने बर्ड्स की डवर्मिंग करने लगा था, तो मैंने कहा सब दोस्तों के साथ शेयर करूँ। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि डवर्मिंग कैसे करनी है और कितनी मकदार में मेडिसिन देनी है। ये देखें जी, टोटली होम ब्रीड। ये देखें, तो दोस्तों ये पानी के बर्तन हैं मेरे बर्ड्स के। इसके अंदर आपने ये ऑक्सा-फैक्स सिरप यूज़ करवाना है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको वेटनरी स्टोर से मिल जाएगा इजीली। इसका एक एक ढक्कन जो है ये आपने एक दोरी के अंदर डालना है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। ये देखें, जैसे मैं ये डाल रहा हूँ एक एक ढक्कन, ये देखें, ये हर दोरी के अंदर मैं एक ढक्कन यूज़ कर रहा हूँ। इसका बहुत अच्छा फ़ायदा है, बहुत बेनिफिट्स हैं आपके बर्ड्स के अंदर। पेट के अंदर जो कीड़े हैं वो सारे ये निकल आएंगे। जिस बर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं, उसको आप ये हर तकरीबन 3 या 4 दिन के बाद एक ढक्कन एक पानी में दे सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपके बर्ड्स के जो अंदर पेट में कीड़े हैं वो सारे निकल आएंगे। उसके अंदर जितने भी कीड़े होंगे ये निकालना ज़रूरी होते हैं, ताकि आपका बर्ड जो है वो ग्रो करे। अगर वो कीड़े नहीं निकालेंगे तो वो आपके बर्ड्स को दिन ब दिन कमज़ोर करता जाएगा, और एंड पे आके वो बर्ड आपका ज़ाया हो जाएगा। तो ये आप ऑक्सफैक्स का सिरप जो है ये यूज़ करवाया करें। ये मैं अपने बर्ड्स को जो यूज़ करवाता हूँ, बड़ों को भी छोटों को भी। तो इस तरह आपने मिक्स कर लेना है, मिक्स करके आपने बर्ड्स के आगे रख देना है। तो यूज़ करेंगे, पियेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं कुरीज के दौरान भी अपने बर्ड्स को देता हूँ, उससे बाद में भी देता हूँ, हर 3 माह के बाद मैं यूज़ करवाता हूँ। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, और ये छोटी सी टिप थी सब भाइयों के लिए। दुआ में याद रखें और अपनी राय ज़रूर दें।